हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स सेंगेज की जो आपकी तीनों जेई एडवांस के लिए सीरीज आती है उन तीनों का फुल रिव्यू हम करने वाले हैं। ये मेरे पास है केमिस्ट्री की 6 बुक की जो आपकी सीरीज आती है, फिजिक्स की 5 बुक्स की सीरीज और मैथमेटिक्स की 5 बुक्स की सीरीज। इनके फुल बुक रिव्यू के साथ हम आज इनके DPPs में क्या क्या आता है उसका भी हम रिव्यू करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनके DPPs का रिव्यू। तो DPPs का अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करूं तो DPPs में इन्होंने तीनों में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं एज कम्पेयर टू बुक। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो इनकी DPPs 6 DPPs है करस्पॉन्डिंग टू बुक्स ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स 1 की 1, मैकेनिक्स 2, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म की आपकी एक आती है, फिर आपकी आती है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स की। अगर इनके क्वेश्चंस के लेवल की बात की जाए तो मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जे एडवांस के लेवल के इसमें क्वेश्चंस हैं, इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। जो जे एडवांस के टफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इन DPPs में नहीं मिलते हैं। फिर आती है हमारी मैथ्स। मैथ्स में इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली जे एडवांस के इजी मीडियम टफ तीनों तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं और सारे पैटर्न के क्वेश्चंस इन्होंने कवर कर रखे हैं। ये जो DPPs है ये सेम बुक ऑथर्स दोनों के, जी देवानी सर और बी एम शर्मा सर ने लिखी हुई है। केमिस्ट्री में जब बात करें तो मेन बुक जो है के एस वर्मा सर ने लिखी हुई है और ये सीमा सैनी मैम ने लिखी हुई है DPPs। इनके लेवल की बात करें तो ये भी हमारे एडवांस के इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को कवर करती है कम्प्लीटली, लेकिन जो आपको एडवांस के टफ वाले क्वेश्चंस है वो भी आपको इनमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब इनके बुक्स के रिव्यू पे चलते हैं। तो अब हम करते हैं मैथमेटिक्स की बुक्स का रिव्यू। अनलाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की आपकी 5 बुक की सीरीज आती है जिसमें आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, वेक्टर्स एंड 3D की एक कंपैरेटिवली छोटी बुक आती है, कैलकुलस की बुक आती है, कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस को इन्होंने एक ही बुक में इंक्लूड किया हुआ है। फिर आपकी एक एलजेब्रा की बुक आती है जिसमें आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सच एस प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक सारे इसी में इंक्लूडेड है। लास्ट में आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बुक विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ सेंगेज सीरीज मैथमेटिक्स। अब हम अगर हम बात करें इनके लेवल ऑफ क्वेश्चंस की तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस में इन्होंने जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। सबसे पहले अगर आप किसी भी चैप्टर में जाएंगे तो आपको थ्योरी के साथ साथ इन टेक्स्ट इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स मिलेंगे। काफ़ी सारे एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं और ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 100+ एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं। साथ ही साथ इनकी हाफ बुक क्वेश्चंस है और थ्योरी है और हाफ बुक में इन्होंने सिर्फ सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बच्चों को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हर बार उन्हें टीचर के पास नहीं जाना पड़ता है, वो इसी बुक से क्लियर कर सकते हैं। अब बात करें लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, जैसे मैंने आपको बताया इलस्ट्रेशंस जो इन टेक्स्ट है उसमें आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ इन्होंने NCERT लेवल तक के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद जब आपका हर चैप्टर एंड होता है तो फिर आते हैं आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सॉल्व्ड एग्जांपल्स में जो है जैसे आप देखेंगे तो इन्होंने जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं इन सॉल्व्ड एग्जांपल्स में आपको जेई एडवांस के इजी मीडियम टफ तीनों लेवल के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर अगर हम आए एक्सरसाइज पार्ट पे तो एक्सरसाइज पार्ट में भी इन्होंने सेम ऑर्डर को फॉलो किया है। शुरू में काफ़ी इजी क्वेश्चन से इन्होंने स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे मेंस के क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट में इन्होंने एडवांस के क्वेश्चंस को भी दिया हुआ है। साथ ही साथ एक और अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने सारे पैटर्न के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। लास्ट में हर चैप्टर के इन्होंने आर्काइव्स दिए हुए हैं ऑफ जेई मेन, जैसे मेरी बुक है उसमें आपको 2009 से लेकर 2020 के जेई मेंस के आर्काइव्स और जेई एडवांस 2009 से 2019 के आर्काइव्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपके सॉल्यूशंस के बाद जो है आपको बाकी सारे जो आर्काइव्स है वो चैप्टर एंड में दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, 2019 के जेई मेंस और एडवांस के आर्काइव्स और 2020 के जो आपके जेई मेंस के आर्काइव्स है वो आपको बुक के एंड में दिए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर इन सारी बुक्स में से बेस्ट बुक की बात करें तो मुझे इन दोनों में से वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की बुक काफ़ी अच्छी लगी। इसमें इनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी
अच्छी है और इन्होंने एडवांस लेवल के भी हार्ड क्वेश्चंस को भी काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। साथ ही में सॉल्यूशंस तो इन्होंने हर बुक में डिटेल में कवर किए हुए हैं। अगर इस बुक का कोई ड्रॉबैक है तो मुझे इस बुक में अभी कोई ड्रॉबैक नहीं मिला। और अगर आप इस बुक की रेटिंग का जानना चाहें तो मैं इस बुक को 10/10 रेट करूँगा और मार्केट में आज के दिन JEE एडवांस मैथमेटिक्स के लिए नंबर वन बुक मेरे हिसाब से है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली बुक पे, दैट इज़ फिजिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में अगर हम देखें तो मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, जो कि आपका मैकेनिक्स को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिर जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यूनिट आती है जो कि JEE की सबसे बड़ी यूनिट है, उसको भी इन्होंने दो बुक्स में कवर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे में इन्होंने मैग्नेटिज्म को कवर किया हुआ है। फिर आप आती है आपकी एक वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट, जिसमें आपका वेव्स को पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स भी इसमें कवर्ड है। लास्ट में आती है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इस बुक की अगर सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि कुछ बुक्स में जो है आपके इलास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स जैसे चैप्टर्स को नहीं दिया होता है, क्योंकि उसमें JEE के कम क्वेश्चंस आते हैं इसलिए उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, लेकिन इस बुक में आपको 100% चैप्टर्स कवर्ड मिलेंगे। हर चैप्टर का, हर JEE में आज तक जो भी क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ाया जाना चाहिए वो इन्होंने सारा कवर किया हुआ है। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इसमें मुझे आपके, जैसे मैंने DPPs का भी सेम रिव्यू दिया था, वैसे ही मुझे इसमें जो है आपके एडवांस के टफ वाले क्वेश्चंस नहीं मिले, बाकी सारे क्वेश्चंस इन्होंने कवर किए हुए हैं। मैथमेटिक्स की तरह सेम इन्होंने हर सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, और आर्काइव्स को लास्ट में और चैप्टर के पहले भी दिया हुआ है। अगर इसमें थ्योरी की बात करें तो इसमें थ्योरी की कोई कमी नहीं लगी है मुझे, और सफिशिएंट थ्योरी इसमें गिवन है। मतलब कि अगर एक बच्चा सेल्फ स्टडी के थ्रू इसे स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल प्रूफ हो सकती है। इस बुक की जो बेस्ट बात मुझे लगी पूरी सेंगेट सीरीज़ में, जो ये बुक मुझे इसको फेवरेट बना देती है, वो ये है कि इसमें काफ़ी सारे पिक्चर्स गिवन है और टू कलर होने की वजह से काफ़ी ही अट्रैक्टिव बुक भी लगती है। जैसे कि आपने देखा होगा प्लस वन प्लस टू की जितनी भी बुक्स होती है ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट होती है, इसलिए कई बार बच्चों को वो कंपैरेटिवली थोड़ा अनइंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन इसमें जो है आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स मिलेंगी और काफ़ी सारे रियल ह्यूमंस एंड ऑल दैट की भी आपको पिक्स मिल सकती है, जो कि इस बुक को पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है रीडिंग के लिए। अगर इसमें देखें तो यही था इस बुक का रिव्यू। अब हम करने वाले हैं केमिस्ट्री बुक का डिटेल रिव्यू। तो अब हम देखते हैं केमिस्ट्री बुक्स आपकी कैसी हैं। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें, जो मेरा एनालिसिस था इनकी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही वर्ल्ड क्लास लेवल की है, और आपको इससे अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक नहीं मिल सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करने की काफ़ी अच्छी कोशिश की हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री में इन्होंने क्वेश्चंस काफ़ी सारे दे रखे हैं, उनका अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री मुझे क्यों कम थोड़ी रेटिंग लगी इसकी। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो अब हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। अगर इन क्वेश्चन के नंबर की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्होंने इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं कि बच्चा अगर 2 साल तक सिर्फ इनकी बुक्स को ही पूरा करने की कोशिश करे तो भी काफ़ी कम चांसेस है कि वो इनके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। रिविजन का तो इसके बाद चांस ही नहीं बचता कि सारा एक बच्चा जो है वो इन की सारी बुक्स की 2 या 3 times रिविजन कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चंस के नंबर में इन्होंने ऐसे किया हुआ है, लेकिन जो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इलस्ट्रेशंस में इन्होंने मेंस लेवल की दिए हुए हैं क्वेश्चंस, और एडवांस लेवल के आपको सॉल्व एग्जांपल्स में मिल जाएंगे। बात की एक्सरसाइजेज में इन्होंने मेंस और एडवांस के मिक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर इस बुक के मुझे कोई ड्रॉबैक लगा बाकी दो बुक्स के कंपैरिजन में तो वो ये है कि इसमें जो आपके इलस्ट्रेशंस और सॉल्व एग्जांपल्स सही दे रखे हैं, लेकिन जो आपके एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की या किसी भी चैप्टर की अगर आप देखेंगे स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसका न्यूमेरिकल आंसर्स जो है वो आपको गलत मिल सकते हैं, उसमें एरर्स है काफ़ी सारे। जैसे कि आप मैट्रिक्स मैच में देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ और गिवन होता है या फिर टाइपिंग मिस्टेक हुई होती है और इसलिए सॉल्यूशन मैच नहीं कर सकता है। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है क्योंकि कई बार बच्चों को इसके कारण कन्फ्यूजन आ सकती है। बाकी अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो मुझे इसको मैं ओवरऑल रेटिंग दूंगा 6 marks out of 10, क्योंकि इसमें एरर्स के कारण काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो सकती है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी इसमें भी सफिशिएंट बाकी सेंगेज बुक्स की तरह ही दी हुई है, और एक सेल्फ स्टडी वाला बच्चा भी मल्टीपल सॉल्व एग्जांपल्स और थ्योरी के साथ अपना टॉपिक पूरा अच्छे से कवर कर सकता है। तो चलिए अब कंक्लूजन में मैं आपको बताता हूँ कि तीनों बुक्स का ओवरऑल रिव्यू क्या था।
ओवरऑल अगर हम तीनों इन बुक्स का बात करें तो मेरी फेवरेट पर्सनल फेवरेट जो है वो मुझे मैथमेटिक्स लगी, क्योंकि आपके जेई एडवांस की 100% तैयारी अकेले वन शॉट में करा देती है। फिजिक्स की बुक भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन केमिस्ट्री की बुक्स में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स हो जाए तो ये भी बेस्ट बुक बन सकती है मार्केट में। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो मैथ्स की है 10/10, फिजिक्स की है 8/10 और केमिस्ट्री की है 6/10। अगर ड्रॉबैक्स जो जैसे मैंने आपको बताया है वो आप देख सकते हैं पीछे जाकर। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको जिन भी और बुक्स का रिव्यू चाहिए, अगर आपको इंडिविजुअल किसी बुक का भी रिव्यू चाहिए या फिर किसी और पब्लिकेशन की किसी और बुक का रिव्यू चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलमोस्ट सारी बुक्स का हम रिव्यू कवर कर चुके और बाकी बुक्स का भी जल्द ही आने वाला है, तो मिलते हैं अगली बारी। तब तक गुड बाय। अगर आपको इन बुक्स को खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, आप उधर से जाकर इसे खरीद सकते हैं।